बुक इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी हार्ड डिस्क वगैरह डैमेज हो गई, डेटा पूरा चला गया। वहाँ से निकले तो अब इधर आलो का एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ से सीढ़ियों से फिसल गई तो कई सीढ़ियों से नीचे आ गई, तो जिस वजह से दो जगह पे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। आलो कह रही चलो बहुत दिनों से हम लोग ने स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया है, तो स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और शाम का वक्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हम लोग थोड़ा सा चहलकदमी करने के लिए निकले हुए हैं, और आलो मेरे साथ है जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके हाथ में जो है प्लास्टर चढ़ा हुआ है और फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि रिसेंटली इधर कोचिंग गई थी 4-5 दिनों पहले, और वहाँ से सीढ़ियों से फिसल गई तो कई सीढ़ियों से नीचे आ गई, तो जिस वजह से दो जगह पे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। और कोहनी में और रिस्ट में दो जगह से फ्रैक्चर है। अब देखते हैं रिकवरी कब होगी, क्योंकि इधर नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं और ऊपर वाला इम्तहान ले रहा है। वो किसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी हार्ड डिस्क वगैरह डैमेज हो गई, डेटा पूरा चला गया। वहाँ से निकले तो अब इधर आलो का एक्सीडेंट हो गया। अभी इसको बाहर भी जाना है पढ़ाई के लिए, एक आध महीने में इसको निकलना है, और उसके पहले ही एक्सीडेंट हो गया, तो देखते हैं कब रिकवरी होती है। तो शाम को बस ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे, क्योंकि अभी घर पे रेस्ट कर रही है, तो सोचा चलो थोड़ा टहल के आते हैं। तो कंपनी गार्डन में हैं हम लोग इस समय, और आलो कह रही चलो बहुत दिनों से हम लोग ने स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया है, तो स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बगल में ही एक फेमस चाट की शॉप है, तो वहाँ चलते हैं और स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। तो गैस अभी कंपनी गार्डन से निकल चुका हूँ, ये 6 नंबर गेट है, और बस हम लोग पहुँच चुके हैं स्ट्रीट फूड वाले शॉप पे, यानी चाट के शॉप पे। और अगर यहाँ पे आप आना चाहें, वैसे लोकल तो आपको पता ही होगा, और यहाँ पे चारों तरफ से आ सकते हैं। अगर आप मेडिकल चौराहे से आ रहे हैं, जैसे कि मैं आ रहा था तो कंपनी गार्डन के अंदर से, तो आप 6 नंबर गेट पे आके चौराहे पे आ सकते हैं। और इधर अगर आप बेली की तरफ से आ रहे हैं या साइंस फैकल्टी होते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर कर्नलगंज चौराहे पर आ सकते हैं। और अगर आप बैराना नैनी से आ रहे हैं तो भी कर्नल का चौराहे पे आ सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल चौराहे पे आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं और स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं। पार करने काफ़ी भीड़ भाड़, आलू का हाथ पकड़ लिया मैंने। जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग कर्नलगंज चौराहे पे आ चुके हैं, और जैसा कि देख पा रहे हैं पंडित चाट कॉर्नर, देखते हैं क्या क्या यहाँ मिलता है। और रियली हम लोग यहाँ पे चाट वगैरह खाने आते हैं, जैसे काफ़ी भीड़ रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी फेमस शॉप है, काफ़ी पुरानी शॉप है, तो हम लोग यहाँ पे भी चाट लेते हैं कैसा टेस्ट है। वैसे एक आध बार पहले यहाँ पे खा चुका हूँ, तो देखते हैं चाट लेते हैं। ये 2 पत्ता टिकिया दे दीजिए उधर से, टोकन पहले टोकन लेना पड़ेगा। तो पहले टोकन लेना पड़ेगा, ऐसे टोकन ले लेते हैं।
मैडम दो जगह से पीछे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे देख पा रहे हैं टोकन काउंटर पे अभी नंबर आया नहीं दो टिकिया दे दीजिए दो टिकिया टोकन मिल गए हैं चाट का पत्ता ले लेते हैं लाइन में लगे हुए हैं हाँ सब अपने अपने आइटम का वेट कर रहे हैं मेरे पास है दो टिक्की हाँ खाना तो अब नंबर आया है सबन दे दिया है और यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग जो है अपने अपने आइटम दे रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे आइटम यहाँ मिलते हैं दही बड़ा है लस्सी है खस्ता है पालक बैंगन हरा आलू सकोड़ा गुलाब जामुन टिकिया टमाटर काफ़ी पुरानी शॉप है ये बेसिकली शॉप जो है बिल्कुल आखिरी में हुआ करती थी कर्नलगंज के अंदर लेकिन कुछ सालों से इधर मेन रोड पर शिफ्ट हो गई है तो यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा होने लगी है दो टिक्की लोग यहाँ पे टिकिया ले चुके हैं और टिकिया को टेस्ट करके देखते हैं टिक्की हम लोग ले चुके हैं और आलू की चोई की वो फुल्की लेगी यानी कि गुपचुप बतासे पानी वाले फुल्की लेती और मैंने एक टोकन ले लिया दही बड़ा का और मैं दही बड़ा ले लेता हूँ और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है इसका नंबर आया नहीं है फुल्की ले रही तब तक मैं दही बड़ा ले लेता हूँ दही बड़े का वाइट है और फुल्की का रेड है तो हम लोग हमने क्या किया था कि वाइट वाला आलू दे दिया था हमें पता चला कि वाइट है दही बड़े का तो कलर से यहाँ पे हर जगह पे ही देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ है भैया दही बड़ा यहाँ पे देख पा रहे हैं टमाटर बन रहे हैं बहुत लोग टमाटर पसंद करते हैं काफ़ी चाट तो ये आ गया है दही बड़ा इसे देख पा रहे हैं आलू जो है फुल्की ले रही है भीड़ है हम लोग किनारे चलते हैं एक खड़े होने की जगह नहीं है जैसा कि देख पा रहे बिल्कुल दही बड़ा जो है बिल्कुल भरा हुआ है गजब गजब
ही बेहतरीन टेस्ट है भाई दही बड़ा का। तो चाट का भी था, जो टिकिया थी वही बहुत ही बेहतरीन थी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मीठी और जिसमें मसाले पड़े हुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना रहे हैं दही बड़े को। डेली शाम को यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और दही बड़ा इतना ठंडा लग रहा है, गर्मी में इतना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम मक्खन मलाई की तरह इतनी सॉफ्ट, इतना स्वीट सा है। बहुत ही प्यारा दही बड़ा। आलू की फुल्की भी ख़त्म नहीं हुई, फुल्के वाले कांटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। दही बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना अच्छा लग रहा है टेस्ट इसका। लाजवाब। आलू की टिक्की जो है 45 रुपये पत्ता है। ये आलू अलग से पानी लेके आ गई, फुल्की यानी कि पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे जो भी आप कह लें वो अलग से पानी जोत पीती है तो उसका पानी ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। ये खा के देखो, बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ जाएगा। दही बड़े का क्या कहना, बिल्कुल लाजवाब। फुल्की कहती थी दही बड़ा वाकई बहुत टेस्टी है। ₹40 दही बड़ा और फुल्की दोनों मिला के पड़ा। तो आलू को टेस्ट कराए अपने से, इतना ज़्यादा पसंद आया वो खुद दही बड़ा लेने चली गई। एक बार खाएंगे खाते रह जाएंगे। तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पंडित जी की चाट ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया। टेस्ट बिल्कुल वो एक्साइटेड हो गए कि दही बड़ा भी लेना है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और टिकिया भी बहुत बेहतरीन थी। गाइस हम लोगों ने चाट वगैरह ले लिया है, सब कुछ फिनिश कर लिया, चाट खाया, दही बड़ा खाया और आलू ने फुल्के भी ली। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप भी फूड लवर हैं, आप भी स्ट्रीट में फूड ट्राई करते रहते हैं, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।